नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 17 अक्टूबर से UAE और ओमान में हो चुकी है, जहां पर दोस्तों हमें राउंड वन के मुकाबले खेले जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये राउंड वन के मुकाबले 22 अक्टूबर तक चलेंगे। उसके बाद दोस्तों 23 अक्टूबर से सुपर 12 के मुकाबले खेले जाते हुए नजर आएंगे, जहां पर हमें सभी बड़ी टीमें मुकाबले खेलते हुए नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए सभी टीमों ने अपनी नई जर्सी लॉन्च करी है और सभी टीमें अपनी नई जर्सी के साथ आपको T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेलते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको T20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 16 टीमों की नई जर्सी दिखाने वाला हूं और आप उसमें ओपिनियन भी दीजिएगा कि आपको किस टीम की जर्सी ज्यादा पसंद आई है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको T20 वर्ल्ड कप इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन टीमों की जर्सी से जो कि क्वालिफायर मुकाबले खेल रही हैं। तो सबसे पहले अगर नामीबिया की जर्सी की बात करें तो नामीबिया की जर्सी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इनकी जर्सी में दोस्तों डार्क ब्लू का शेड है, इसके अलावा काफ़ी ब्राइट जर्सी है और इनकी जर्सी में तीन कलर्स यूज़ हुए हैं जो कि हैं ब्लू, डार्क ब्लू और रेड का थोड़ा सा पिंच है। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ तो मुझे इनकी जर्सी काफ़ी क्लासी और अट्रैक्टिव लग रही है। आपको दोस्तों कैसी लग रही है इनकी जर्सी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप 10 में से कितना रेटिंग देंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नामीबिया की बात करें तो दोस्तों, इनके पास बहुत कम चांस है कि आपको सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कमजोर टीम है और इसके अलावा आप देखें तो जो बाकी की 8 टीमें हैं वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नामीबिया का कोई चांस है आगे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जर्सी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। इसके बाद दोस्तों बात करें आयरलैंड टीम की, तो दोस्तों आयरलैंड की टीम ने भी अपनी नई जर्सी जो लॉन्च करी है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इनकी जर्सी भी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, ग्रीन और ब्लू का इनका कॉम्बिनेशन है और आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इनकी जर्सी कैसी लगी, 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे। वहीं पर दोस्तों आयरलैंड टीम के चांसेस की बात करें तो आयरलैंड के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग टीम है और अब उनको टेस्ट स्टेटस भी मिल चुका है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये 100% सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई करने वाले हैं और ये करेंगे भी, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करें आगे तो स्कॉटलैंड टीम की, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड टीम की जर्सी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इनकी जर्सी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रही है। इनकी जर्सी में शार्प पर्पल का कलर यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इनकी जर्सी जो है उसमें नेशनल एम्बलम भी है स्कॉटलैंड का, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिज़ाइन के साथ बनाई गई है जर्सी और क्लासी जर्सी मैं कह सकता हूँ जो मुझे लग रही है। आप लोगों को कैसे लग रही है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे वो भी बताएं। इसके अलावा दोस्तों स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से पहले मैच पे बांग्लादेश को हराया है, तो मुझे लगता है कि इनके पास भी बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है आगे क्वालिफाई करने के लिए सुपर 12 स्टेज में, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड साइड लग रही है और हंगरी टीम लग रही है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े बात करें नेदरलैंड्स टीम की जर्सी की, तो नेदरलैंड्स टीम की जर्सी भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इनकी जर्सी में दोस्तों जो मेजर कलर हुआ है वो है ऑरेंज कलर, इसके अलावा दोस्तों ब्लू कलर के हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी हैं। मुझे इनकी जर्सी अच्छी लग रही है, काफी नीट एंड क्लीन है। आपको कैसी लग रही है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा दोस्तों 10 में से कितना रेटिंग देंगे वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेदरलैंड्स टीम दोस्तों एक ऐसी टीम है जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में धीमे धीमे उभर रही है, स्पेशली एसोसिएट नेशंस में, और इनके जो एक दो प्लेयर हैं वो IPL में भी खेल चुके हैं। हालांकि दोस्तों इनके पास जो चांसेस हैं सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए वो काफी कम है, क्योंकि इनको काफी एसोसिएट टीम्स की बड़ी बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा क्वालिफायर स्टेज में, तभी ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े बात करें पपुआ न्यू गिनिया यानी कि PNG टीम की जर्सी की, तो दोस्तों पपुआ न्यू गिनिया जो है वो एक छोटा सा देश है और इनकी जर्सी भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इनकी जर्सी में दोस्तों तीन कलर यूज हुए हैं, ब्लैक, येलो और ऑरेंज, और दोस्तों जो इनकी स्लीव है वहां पर साइड्स में ब्लैक कलर भी यूज हुआ है। तो इनकी जर्सी आपको दोस्तों कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा 10 में से कितना पॉइंट्स देंगे वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े बात करें ओमान टीम की जर्सी की, तो दोस्तों ओमान की जर्सी भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आपको कैसी लग रही है इनकी जर्सी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा 10 में से कितना रेटिंग देंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है इनकी जर्सी, क्योंकि जैसी पिछली इनकी जर्सीज नहीं है, कुछ उस टाइप की ही लग रही है और कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लग रही है। अगर दोस्तों इनके चांसेस की बात की जाए सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मैच में काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से पपुआ न्यू गिनिया को हराया है और जिस प्रकार के क्रिकेट खेली है पहले मैच में, मुझे लगता है कि इनके पास एडवांटेज है और ये शायद यहाँ पर एक अपसेट कर सकते हैं और बांग्लादेश को भी अगर ये अगला मैच अपना हरा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके पास अच्छा चांस बनेगा सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों ये अपने होम ग्राउंड पर भी खेल रहे हैं तो इसका एडवांटेज भी उन्हें मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें श्रीलंका की टीम की जर्सी की, तो श्रीलंका की टीम की जर्सी भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है।
श्रीलंका ने दोस्तों इस वर्ल्ड कप के लिए दो जर्सी लॉन्च करी है होम एंड अवे के बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर हम इनकी जर्सी की बात करें तो दोस्तों जर्सी जो दोनों हैं इनकी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एक दोस्तों जो इसमें मेजर कलर ब्लू यूज़ किया गया और एक में दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू का मिक्सचर है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जर्सीज मुझे अट्रैक्टिव लग रही हैं। आपको दोस्तों कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा 10 में से कितना ज़्यादा रेटिंग देंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम की T20 वर्ल्ड कप जर्सी के बारे में। तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने भी इस T20 वर्ल्ड कप के लिए दो जर्सीज लॉन्च करी हैं। एक जर्सी में मेजर कलर जो है वो ग्रीन है और शोल्डर में रेड कलर यूज़ किया गया है। वहीं पर दोस्तों दूसरी जर्सी में मेजर कलर रेड है और थोड़ा सा पोर्शन ग्रीन का है। तो दोस्तों आपको दोनों जर्सीज कैसी लग रही हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप कितनी रेटिंग्स देंगे 10 में से वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकी भी जर्सी दोस्तों मुझे अच्छी लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे पहले इनकी जर्सीज रही हैं कुछ इस प्रकार की इस बार भी जर्सी इन्होंने लॉन्च करी है। और इनके पास भी दोस्तों आगे सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई करने का बहुत अच्छा मौका है। हालांकि इनको पहले मैच में स्कॉटलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोस्तों ये जो टीम है ये बड़ी टीम है उन बाकी टीमों से, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि ये जो अपने बाकी बचे दोनों मैचेस हैं वो ये जीत कर आगे सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े बात करें इंग्लैंड टीम की जर्सी की, तो इंग्लैंड की जर्सी भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इंग्लैंड की जर्सी में दोस्तों आपको तीन कलर यूज होते हुए नजर आए हैं, ब्लू, रेड और व्हाइट कलर। और दोस्तों जो इनकी T20 वर्ल्ड कप की जर्सी है वो मुझे पर्सनली अट्रैक्टिव लग रही है। आपको कैसे लग रही है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा दोस्तों 10 में से कितने ज्यादा रेटिंग देंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े बात करें साउथ अफ्रीकन टीम की जर्सी जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च की गई है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका ने भी इस वर्ल्ड कप के लिए दो जर्सी लॉन्च करी है। एक जर्सी में दोस्तों मेजर कलर येलो यूज किया गया है, वहीं पर दूसरी जर्सी में मेजर कलर है वो ग्रीन है। तो दोस्तों आपको दोनों जर्सीज कैसी लग रही है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा दोस्तों 10 में से कितना ज्यादा रेटिंग देंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे दोस्तों पर्सनली इनकी ग्रीन वाली जर्सी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें ट्रेडिशनल टाइप का लुक आ रहा है साउथ अफ्रीका का, तो मुझे यहाँ पर ग्रीन वाली ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की नई जर्सी के बारे में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए दो जर्सी लॉन्च करी है। एक जर्सी में दोस्तों मेजर कलर येलो है और उसके अलावा ग्रीन कलर का बॉर्डर है शोल्डर्स पर भी। वहीं पर दोस्तों जो दूसरी जर्सी है वो ब्लैक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन से बनी है। दोस्तों मुझे दूसरी जर्सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, पहली वाली जर्सी भी अच्छी है लेकिन दूसरी मुझे ज्यादा पसंद आई है। आपको दोस्तों कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है इनकी जर्सी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप कितना ज्यादा रेटिंग इनको देना चाहेंगे जर्सी के मामले में। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप जर्सी के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपनी जर्सी जो है वो लॉन्च करी है और इनकी जर्सी में भी दोस्तों आपको मेजर कलर ग्रीन ही नजर आएगा हमेशा की तरह। इसके अलावा दोस्तों ग्रीन और येलो कलर का दोनों को कॉम्बिनेशन से बॉर्डर भी है इनकी जर्सी में। आपको दोस्तों कैसी लग रही है इनकी जर्सी, मुझे तो दोस्तों अच्छी लग रही है। आप कितने ज्यादा रेटिंग देना चाहेंगे वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हमारी अपनी इंडियन टीम की T20 वर्ल्ड कप 2021 की नई जर्सी के बारे में। तो दोस्तों मुझे ये जर्सी जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। स्पेशली अगर आप कंपेयर करें 2019 के वर्ल्ड कप से तो उससे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। और जो इस जर्सी का नाम दिया गया है वो है बिलियन चीयर्स जर्सी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप 10 में से कितना ज़्यादा रेटिंग देना चाहेंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम की जर्सी के बारे में। तो दोस्तों अफगानिस्तान की भी जर्सी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इनकी जर्सी भी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, हालांकि इनकी जर्सी में ज़्यादा बदलाव नहीं है, जैसे इनकी पिछली टाइप की जर्सीज थी उसी टाइप की जर्सी है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। आपको कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है और आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स देंगे इनको 10 में से आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्टइंडीज़ टीम की T20 वर्ल्ड कप 2021 की जर्सी के बारे में। तो दोस्तों वेस्टइंडीज़ की टीम वही जर्सी यूज़ करने वाली है जो ये अभी तक प्रीवियस T20 टूर्नामेंट्स में यूज़ करते हुए आए हैं। और दोस्तों आप अगर इनकी जर्सी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी जर्सी में भी दोस्तों येलो कलर उसके अलावा मरून कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जहाँ पर ट्रिम्स भी हैं येलो कलर के, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और थोड़ी सी आई कैचिंग भी लगती है इनकी जर्सी। मुझे तो पसंद है, आपको कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है और आप 10 में से कितना ज़्यादा रेटिंग देना चाहेंगे इनकी जर्सी को वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम की T20 वर्ल्ड कप 2021 की जर्सी के बारे में। तो दोस्तों इनकी जर्सी जो है वो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों जितने भी सोर्सेज के थ्रू इमेजेस आई हैं तो वो हमने ये देखा है कि न्यूजीलैंड टीम भी T20 वर्ल्ड कप में दो जर्सी से खेलने वाली है। एक जर्सी जो अभी T20 इंटरनेशनल्स में यूज़ कर रहे हैं ब्लैक और ग्रे कलर की वो रहेगी, उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी जर्सी होगी वो अपने ये ट्रेडिशनल लुक में जाएंगे और वैसी जर्सी ये यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इनकी दोनों जर्सीज कैसी लगी और कैसी मतलब आप कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये रही T20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 16 टीमों की नई जर्सी जो कि वर्ल्ड कप 2021 के लिए लॉन्च की गई है। इनमें से दोस्तों कौन सी वो चार टीमों की जर्सी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर T20 वर्ल्ड कप इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।